दिल्ली में बारिश के चलते बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पानी में यात्रियों से भरी बस फंस गई, यात्रियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। आजाद मार्केट का अंडरपास, दरिया बनी दिल्ली की सबसे खौफनाक तस्वीर, जहां पूरी की पूरी बस पानी में समा गई। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पानी में बस डूबी होगी तो बस में बैठे यात्रियों की स्थिति कैसी रही होगी। दो बसें इस अंडरपास में फंसी हुई हैं और लोग बस के छत पर हैं। कई घंटों के बाद रेस्क्यू की टीम पहुंची। देखिए पानी में डूबी बस से रस्सी के सहारे लोगों को किस तरह से निकाला जा रहा है। रस्सी के एक छोर को बस से बांधा गया है और दूसरी छोर को ऊपर जेसीबी से बांधा गया है। इसके बाद रेस्क्यू टीम बस में लोगों तक ट्यूब लेकर पहुंची और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। एक एक कर लोगों को ट्यूब और रस्सी के सहारे बस से निकालकर पानी से भरे अंडरपास से बाहर निकाला गया। लोगों को पानी से निकालने का काम करीब घंटे भर चला। इसके बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हालांकि ये सिर्फ आजाद मार्केट इलाके की तस्वीर नहीं है। मूसलाधार बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम और सभी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। वहीं जल भराव के कारण जगह जगह लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए दिखे। ये रोहिणी मेट्रो स्टेशन के पास की तस्वीर है, जहां बारिश की वजह से सड़क धस गई और उसमें पूरी कार समा गई। सड़क में समाये इस कार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने बारिश के लिए कितना इंतजाम किया है। बाकी सब राम भरोसे तो चल ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।